जलवायु संकट यानी क्लाइमेट क्राइसिस पूरी दुनिया के लिए एक चुनौती है। ऐसे में लाजमी है कि सवाल उठे, इसके लिए कौन जिम्मेदार है, कौन इस चुनौती का हल निकाल सकता है। नमस्कार, मैं हूं सिक्ता देव और आज समझेंगे कि क्लाइमेट इक्विटी या इनइक्विटी क्या है, यानी क्लाइमेट चेंज की चुनौती में किसकी हिस्सेदारी कितनी है। क्लाइमेट इक्विटी आमतौर पर राष्ट्र अध्यक्षों की आपसी बातचीत का मुद्दा रहता है। न्यूज में भी आपने सुना होगा, क्लाइमेट इक्विटी का मतलब यही है, क्लाइमेट चेंज की चुनौतियों का सामना करने में हर देश की बराबर की हिस्सेदारी होनी चाहिए। हमने तो पहले ही कहा है, क्लाइमेट चेंज यानी डिप्लोमेसी यानी राजनीति। दुनिया ग्लोबल नॉर्थ और ग्लोबल साउथ में बटी हुई है और दोनों पक्षों का आर्थिक और राजनीतिक भेद भी साफ दिखाई देता है। ग्लोबल नॉर्थ यानी कि अमीर विकसित देश, ग्लोबल साउथ यानी विकासशील देश। भारत ग्लोबल साउथ देश है। क्लाइमेट चेंज को लेकर दोनों पक्षों में हमेशा से खींचतान भी रही है। ग्लोबल नॉर्थ के विकसित देश वातावरण में बहुत ज्यादा मात्रा में ग्रीन हाउस गैस छोड़ रहे हैं। मसलन अमरीका को लें, जिसने सबसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण में छोड़ा है, इतिहास गवाह है, करीब 25%। अमरीका के बाद नंबर आता है यूरोप के 27 देशों का, जिसमें ब्रिटेन भी शामिल है। ये सभी देश करीब 22% कार्बन वातावरण में छोड़ रहे हैं। वहीं ग्लोबल साउथ के देश जैसे कि भारत और ब्राजील सिर्फ 3% और 0.9% कार्बन एमिट करते हैं। अफ्रीकी देश तो और कम, उसके 54 देश मिलकर भी सिर्फ 3% कार्बन ही वातावरण में छोड़ रहे हैं। अमीर विकसित देशों ने अपने कार्बन फुटप्रिंट्स घटाने के लिए बड़ी चालाकी से एक और काम किया है, विकासशील देशों में अपनी फैक्ट्रियां लगवाई हैं, जिससे हाँ वहाँ के स्थानीय लोगों को एम्प्लॉयमेंट तो मिला लेकिन जंगल कम हो गए। खेती करने के तरीकों में बदलाव लाया गया जिससे जमीन पर दबाव बढ़ गया और यही विकसित देश अब छोटे देशों को बोल रहे हैं कि भविष्य की चिंता करो और अपने आप को बदलो। भारत जैसे देश अगर ये नसीहत सुने तो उन्हें आर्थिक विकास और इंडस्ट्रियलाइजेशन के मोर्चे पर कई समझौते करने होंगे, लेकिन भारत इस दिशा में काम कर भी रहा है। रिन्यूएबल इलेक्ट्रिसिटी देश में तेज रफ्तार से फैल रही है। साल 2026 तक इस बिजली की क्षमता को दुगना करने का लक्ष्य है। लीडर्स इन इमर्जिंग इकोनॉमीज मस्ट कमिट टू रीचिंग नेट जीरो एज क्लोज एज पॉसिबल टू 2050 एंड अगेन द लिमिट दे शुड ऑल एम टू रिस्पेक्ट। एक और मुद्दे पर अमीर और विकासशील देश आमने सामने हैं। पहले किए गए कार्बन एमिशंस की भरपाई अमीर देशों को करनी होगी। चीन और भारत जैसे देश भविष्य में होने वाले अपने कार्बन एमिशंस की जिम्मेदारी उन्हें लेनी होगी। हर देश को अपना हिसाब रखना होगा, किसने कितना प्रदूषण फैलाया, कौन इस वक्त ग्रीन हाउस गैस पर काबू नहीं पा रहा और कौन भविष्य में भी कार्बन एमिट करता रहेगा। हर एक को जिम्मेदारी से अपना काम करना होगा। भारत ने तो बार बार कहा है कि ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को कम करने की जिम्मेदारी सबसे ज्यादा विकसित देशों की ही है। विकासशील देश कम गैस एमिट करते हैं और उनको अपना आर्थिक विकास भी देखना है। क्लाइमेट क्राइसिस में हर देश को अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी और एक दूसरे का सहयोग करना होगा। नमस्कार।